सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत सेमिनार आयोजित। पुलिस उपाधीक्षक और SDOP ने सेमिनार को किया संबोधित। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आयोजित सेमिनार के माध्यम से यातायात नियमों के पालन करने की नगरवासियों से अपील की गई, जहां वाहन चालकों से अपील की गई कि दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग करें, तीन सवारी बाइक पर बैठाए ना, साथ ही बाइक चलाते समय मोबाइल का उपयोग ना करें, वहीं तेज गति से वाहन ना चलाएं, चार पहिया वाहन चालक भी सीट बेल्ट का प्रयोग करें, रेड लाइट पर सावधानी बरतें, इतना ही नहीं नगरवासी भी यातायात में सहयोग करें, आवारा पशुओं को सड़क पर ना छोड़ें, हाथ ठेला गुमटी और अपने वाहन सड़क पर खड़े ना करें। सेमिनार को संबोधित करते हुए उप पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रतिवर्ष लापरवाही से वाहन चलाने से सड़क दुर्घटना में वाहन चलाते समय हजारों वाहन चालकों की मौत होती है, अतः सावधानी से वाहन चलाएं। वहीं SDOP राजू रजक ने कहा कि आप उन परिवारों वालों से पूछिए जिनने सड़क दुर्घटना में अपने बच्चों को खोया है। जब अपने अपनों के साथ कोई दुर्घटना घटित होती है तब एहसास होता है कि हमने क्या खोया है, इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। सेमिनार में नगरवासियों के साथ ऑटो चालक, पुलिस के जवान और यातायात थाना प्रभारी नक सिंह उपस्थित रहे। शिवपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। अभी कोई माधवपुर से कोई निकले अनजान व्यक्ति और निकल के सीधा चला गया, यहाँ से व्यवस्थित गाड़ियां लगी देखी तो ये कहेगा शिवपुर यार छोटा भले ही है लेकिन अच्छा है, है? ठीक है कि नहीं। और वही यदि आपके कहीं पटेल चौक पे या जाम में फंस गया या नहर पे जाम में फंस गया तो मुझे कहेगा यार ये सुधरे ही नहीं, यार जिला वेला बन जरूर गया लेकिन जिले लायक नहीं है, ये आपके बारे में बात करके जाएगा। तो आप लोग इस जो ट्रैफिक सप्ताह मनाया जा रहा है इसमें आप लोग अपने सजेशन दो और बहुत अच्छा ट्रैफिक यहाँ का करो। आप लोग कोई भी व्यवसाय कर रहे हो, चाहे आप ऑटो चला रहे हैं या ट्रक चला रहे हैं या कोई ठेला लगा रहे हैं, लेकिन सब में बढ़ोतरी होगी, सब अच्छा होगा यदि आपका ट्रैफिक अच्छा है, जिले की ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी है। प्रदेश में घटित होने वाली कुल सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु तेज गति से वाहन चलाने के कारण होती है, ठीक है, हमेशा स्पीड दुख देती है, कोई काम नहीं है तो अभी तेज चले जा रहे हैं, अरे धीरे चले जाओ, कोई काम हो जैसे कोई जी आ गए तो कोई काम है जैसे मीटिंग है कोई या घर पे कोई हॉस्पिटल में बनती है बात कि भाई तेज जाना है यार वहाँ हॉस्पिटल ले जाना है, लेकिन बिना वजह जाके घर पे बैठना तो अभी तेज, तो ये स्पीड सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है। सब लोगों को समझाइश दें कारण होती है, वर्ष 2021 में तेज गति से वाहन चलाने वाले कुल 36,895 सड़क दुर्घटनाओं में करीब 9,541 लोगों की डेथ हुई है, मतलब इनको रोका जा सकता था। हाँ, उस परिवार से पूछिए जिसका कमाने वाला चला गया, जिसका लड़का चला गया, तो उससे आप पूछिए कि क्या उस परिवार पे गुजर रही है। अपन लोग बड़े हल्के से हर चीज़ लेते हैं लेकिन जब अपने ऊपर आएगी तो कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा, इसीलिए अपने बच्चों को अपने परिवार के लिए यातायात के नियमों का पालन करें और खुद भी करें और अपने बच्चों से भी कराएं। बच्चों को बोले कि हेलमेट के बगैर अपनी गाड़ी ना चलाएं, कार अगर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाएं, ये सब चीज़ें आप लोग अपने ही घर में जब बताएंगे तब फिर बहुत फैलती जाएगी, अगर हम ही लोग बोलेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, ये आप सुनोगे और कान से निकाल के चले जाओगे तो उसका कोई फ़ायदा होना नहीं है। भाई ये हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, ये हम आपके लिए बोल रहे हैं, हम लोग तो पालन कर ही रहे हैं, आप लोग करेंगे तो ये दुर्घटनाओं में जो कैजुअल्टीज़ हो रही हैं ये नहीं होंगी और अपना परिवार भी सुरक्षित रहेगा। जब घर का पालने वाला सुरक्षित रहता है तो पूरा परिवार सुरक्षित रहता है, इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखें और मेरी सभी को शुभकामनाएँ और मेरे जो मीडिया के भाई आए उन लोगों को भी मैं बता रहा हूँ कि इस चीज़ का प्रसार करें और आप लोगों को सुरक्षित करें।